मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अलीराजपुर कलेक्टर को संघ की शाखा में जाने की सलाह दी है। उन्होंने मोहन यादव सरकार पर करप्शन के आरोप भी लगाए। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, ये भाजपा की संवेदनशील सरकार है, अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार होता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कांग्रेस के कार्यक्रम में सरकारी अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ ऐसे अधिकारी बैठा दिए गए हैं जो अपनी कुर्सी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के लिए दलाली का काम करते हैं। उन्होंने कहा, अगर ऐसे दलाल अधिकारी कोई हैं तो वे सुन लें, कांग्रेस ऐसे दलालों को रडार पर रखेगी। कांग्रेस नेता यही नहीं रुके और उन्होंने अलीराजपुर के कलेक्टर पर तंज कसते हुए कहा कि यदि किसी कलेक्टर को बीजेपी और आरएसएस का झंडा उठाने का ज़्यादा ही शौक है तो वो आरएसएस की चड्डी पहने और शाखा में जाएं। यहाँ आपको कलेक्ट्री की जरूरत नहीं है, यहाँ रहना है तो आम जनता की सेवा करना पड़ेगी। कुछ अधिकारी ऐसे बिठा दिए जो अपनी कुर्सी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर रहे हैं। अगर ऐसे दलाल अगर कोई है, उन दलालों को कांग्रेस पार्टी बिल्कुल रडार पर रखेगी। रडार पे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल निर्भीक होकर जनता की सेवा करें। अगर आप निष्पक्ष नहीं हुए तो आपके खिलाफ भी हम लोगों को कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल बजाना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, मुझे याद है जब कमलनाथ सरकार थी तब उमंग सिंघार ने कहा था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा दलाल दिग्विजय सिंह है। उमंग सिंघार को बातों ही बातों में चेतावनी देते हुए शर्मा ने कहा कि उमंग सिंघार भी ध्यान रखें कि यहाँ डॉक्टर मोहन यादव की भाजपा सरकार है जो बहुत संवेदनशील है, अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार होता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, चाहे फिर वह उमंग सिंघार हो या वीडी शर्मा। जब कमलनाथ की सरकार थी तो उमंग सिंघार ने क्या कहा था, क्या इस देश मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा दलाल कौन है? रामेश्वर जी, दिग्विजय सिंह। सबसे बड़ा दलाल दिग्विजय सिंह कौन बता रहा था? उमंग सिंघारी ने, तब ये उस समय कैबिनेट के मंत्री थे और इन्होंने कहा था कि सरकार को पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह चला रहे हैं, मुख्यमंत्री कमलनाथ है, सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। किस प्रकार से शराब माफिया मध्य प्रदेश का कोई सबसे बड़ा है तो दिग्विजय सिंह है, किसने कहा था? यही उमंग सिंघार ने कहा था। तो इनकी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में दलाली ही होती रही, बल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया था, ये परसेप्शन था। हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील ईमानदार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नेतृत्व है, इस प्रकार की चीज कहीं होगी ना तो ये इतनी संवेदनशील सरकार है कि त्वरित कार्रवाई करने वाली सरकार का परसेप्शन है आज। सर, उमंग सिंघार ध्यान रखें अपने कार्य व्यवहार में भी, चाहे वीडी शर्मा हो चाहे उमंग सिंघार हो, अगर कोई गड़बड़ी और गलत काम करेंगे तो हम पर भी कार्रवाई होगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।